केंद्र की मोदी सरकार ने प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान किया है, जिससे प्याज उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। यह आरोप लगाते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि पिछले 3 साल से प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। जब किसान 1-2 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, तब सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज जब प्याज के भाव में थोड़ा सुधार हुआ, तो सरकार ने निर्यात पर 40% निर्यात टैक्स लगा दिया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम SDM मोहम्मद सिराज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एवं किसान साथियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल निर्यात शुल्क निरस्त करने का आदेश प्रदान करें। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के किसानों का की आज़ादी के 76 वर्ष में 10 वर्ष में 70 वर्षों तक किसी भी पार्टी की केंद्र में सरकार रही हो, लेकिन किसानों के साथ छल कपट या धोखा नहीं किया और न ही आर्थिक बोझ डाला। परंतु जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई, तब से देश के अन्नदाताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। गत वर्ष में किसान अपनी वाजिब मांगों व हक की लड़ाई के आंदोलन में 700 से अधिक किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश में किसानों के बुरे हाल चल रहे हैं। खाद, बीज, दवाई महंगे हो गए और कृषि के उपकरण में GST लगाकर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। फसलों का उत्पादन लागत शुल्क भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे किसान कर्ज में डूब रहा है। मोदी सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों को आर्थिक मार मारी है, जिससे उनके प्याज के दाम काफ़ी नीचे आ गए, जिससे उन्हें उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। आज के समय खेती किसी उद्योग से कम नहीं है। किसान महंगा बीज, खाद बाजार से लेकर फसल बोता है। फसल जब पककर घर में आती है, तो या बाजार मूल्य कम हो जाएंगे या सरकार कुछ ना कुछ रोक लगा देती, जिससे चलते देश के किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलता है। कई बार तो खेती नुकसानदायक साबित होने पर किसान कर्ज व ब्याज के तले दब जाने से आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है और सरकारें मौन धारण कर लेती है। आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह के किसान विरोधी त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते थे। मोदी जी ने तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है और आनंद फानन में प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों के साथ आर्थिक नाकेबंदी की है, जो सरासर अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। साथ ही खरीफ वर्ष 2022 और अभी 2022-23 के फसल बीमा की राशि व मुआवजा राशि भी शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण किसान आर्थिक मार झेल रहे हैं। किसानों को तत्काल बीमा राशि व मुआवजा राशि प्रदान की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर 31 दिसंबर 2023 तक ब्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा कर है देश के अन्नदाताओं के हित में तत्काल निर्यात शुल्क निरस्त करने का आदेश प्रदान करें, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। बहुत ही दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक नागदा खाचवा। शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन मिला, जिसमें प्याज पर 40% निर्यात शुल्क के संबंध में राष्ट्रपति महामहिम की ओर ज्ञापन को भेजना है, तो सरकार प्रॉपर तौर से वहाँ भेज दिया।